नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु का कुंभ राशि में जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उस राशि परिवर्तन का आपके राशि पर मतलब कर्क राशि पर जो परिणाम है वो किस प्रकार से होने वाला है। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर गुरु का जो ये जो कुंभ राशि में राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसका प्रभाव मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर किस प्रकार से होने वाला है, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि पर गुरु का कुंभ राशि में जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसका प्रभाव किस प्रकार से होगा। सबसे पहले यह जो गुरु जो राशि भ्रमण करता है वो करीबन एक राशि में 11.5 महीने तक रहता है, लेकिन यह जो गुरु कुंभ राशि में भ्रमण करेगा वह 5 महीने से भी कम कालावधि तक कुंभ राशि में भ्रमण करने जा रहा है। 21 नवंबर से लेकर करीबन 14 अप्रैल तक का जो समय है इसमें यह गुरु ग्रह कुंभ राशि में भ्रमण करने वाला है। तो इसके जो परिणाम आपको जो मिलेंगे वो करीबन 5 महीने से भी कम कालावधि तक मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह कर्क राशि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि यह आपका ष्ठेश भी है और भाग्येश भी है, लेकिन यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इसके जो परिणाम है वो आपको थोड़े से मिले जुले मिल सकते हैं, हालांकि अशुभ फलदायी यह जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो सबसे पहले यह जो गुरु है, यह गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने वाला है। इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो कि आपको मिलेगा आपके सेहत के बारे में, अगर आप किसी भी व्याधि से अगर पीड़ित हो, चाहे वो मानसिक हो या फिर शारीरिक, यह जो गुरु का भ्रमण आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित नहीं होगा। जो भी मैंने कालावधि गिनवाए, मतलब दिनांक करीबन 21 नवंबर से लेकर 14 अप्रैल तक का जो समय है इसमें आपको किसी भी प्रकार के अगर स्वास्थ्य के बारे में कोई परेशानी या फिर संकेत मिलते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इस कालावधि में जो भी महत्वपूर्ण काम है वह हाथ में नहीं लेना या फिर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। रिस्क लेकर अगर आप कोई काम करते हो तो वह आपका काम सफल होने की संभावना बहुत ही कम दिखाई देती है। हालांकि इसमें एक बात तो काफ़ी अच्छी है क्योंकि यह जो गुरु का भ्रमण है वह ज़्यादा महीनों तक नहीं है, 5 महीने तक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह गुरुग्रह आपके अष्टम भाव में वक्री होने नहीं जा रहा है, वह मार्गस्थ ही होगा, जिसकी वजह से इसके जो अशुभ परिणाम है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, जैसे मैंने अभी कहा, आपके सेहत के बारे में या फिर किसी भी प्रकार के रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो आप उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो। खास करके हर एक महीने में जो अमावस या फिर पूर्णिमा आती है इस कालावधि में आपका जो मानसिकता है उसमें काफ़ी बदलाव देखा जाता है, तो यह जो कालावधि है इससे भी थोड़ा बचना होगा यह इन 4-5 महीनों में। यह जो गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है यह पंचम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहा है, तो यहाँ पर भी 2-3 बातें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। करीबन इस कालावधि में, मतलब 21 नवंबर से लेकर करीबन 14 अप्रैल तक का जो समय है, किसी भी प्रकार के बड़े लोन बिल्कुल भी नहीं लेना, किसी को किसी भी प्रकार की कमिटमेंट प्रॉमिसेस बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जिस आधार पर आप प्रॉमिसेस या फिर कमिटमेंट करोगे वो आधार या फिर वो बात आप पूरी नहीं कर पाओगे, और आपकी जो राशि है बहुत ज़्यादा इमोशनल है जिस वजह से आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा आ सकता है, तो ध्यान रखिए ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात थोड़ी सकारात्मक भी है कि जो कर्क राशि के व्यक्ति
एब्रॉड जाना चाहते हैं, परदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये कालावधि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनका बाहर गांव में जाना या फिर हो सकता है इस कालावधि में, जो कि अच्छी बात हो सकती है। उसी प्रकार यह जो गुरु है, यह गुरु ग्रह सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है। इस कालावधि में पैसे के मामला में कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आपको जो पैसे हैं, जिस विषय से या फिर जिस भी कार्य क्षेत्र से आपको पैसे मिल रहे हैं, वो मिलते रहेंगे। हालांकि आपकी कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी हो सकती है। उसी प्रकार यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह नवम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यह जो कालावधि मैंने बताया, दिनांक 21 नवंबर से लेकर 14 अप्रैल तक का जो कालावधि है, इसमें आपके ट्रैवलिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। अब यह ट्रैवलिंग इनलैंड हो सकते हैं, मतलब देश में हो सकते हैं, विदेश में होने की संभावना भी थोड़ी बनती है। लेकिन जिस वजह से आप ट्रैवलिंग करोगे, वो वजह पूरे होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो होगा क्या, यह जो गुरु का भ्रमण है, इसमें आपकी मेहनत ज़्यादा होगी लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से भी थोड़ा स्ट्रेस आप पर बना रहेगा। क्योंकि आपकी राशि, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि थोड़ी सी इमोशनल है, छोटी मोटी बातों को लेकर ज़्यादा सोच विचार करती है। उसी प्रकार अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हो, या फिर जो भी आपका अभी घर है वो अगर आप बेचना चाहते हो, तो यह कालावधि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात और ज़रूरी है जो कि मेंशन करनी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपका जो एग्जिस्टिंग जो घर है वो अगर आप बेचना चाहते हो, तो उसके बारे में पूरी तरह से सोचिए, इन डेप्थ सोचिए, इसके बाद ही इसके बारे में आप निर्णय ले सकते हो। क्योंकि जो भी आप ट्रेड करोगे इस कालावधि में, वो थोड़े से चूकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो यह जो बातें हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा अमल कीजिए, और आपको जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं, जिसके ऊपर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो, जिसमें थोड़े रिस्क है, तो वो जो डिसीज़न है, वो डिसीज़न आप करीबन 13 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल के बीच में ले सकते हो। उसमें जो आप डिसीज़न लोगे, वो चूकने की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। तो ये जो बातें मैंने अभी कही, इसमें इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, और इस विषय पर आप जो भी बातें हैं उसके संदर्भ में निर्णय ले सकते हो। आपको आज का वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।